नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मलिक एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल पंकज टीचिंग व्लॉग्स पे। जैसा आपको पता है दोस्तों, आज है संडे, तो आज हम पढ़ाई से थोड़ा रेस्ट लेते हैं, कुछ एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। आज से दोस्तों हर एक संडे को हम जो करंट में कोई टॉपिक चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों CET। जैसा आप सभी को पता होगा, CET नेक्स्ट ईयर से SSC, रेलवे और बैंक तीनों जगह एक प्री के लिए कॉमन एग्जाम होगा दोस्तों। उसका क्या नाम है? CET है क्या दोस्तों? ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसा आपको पता है, SSC, रेलवे और बैंक तीनों क्या है? नेशनल लेवल के एग्ज़ाम है, यानी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम है। तो इस एग्ज़ाम को दोस्तों जो कंडक्ट करवाएगा वो कौन करवाएगा? NRA। NRA क्या है दोस्तों? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और जो CET होगा दोस्तों, ये केवल तीन जगह अप्लाई होगा। किस किस के लिए? SSC, रेलवे यानी RRB और तीसरा बैंकिंग यानी IBPS। केवल तीन जगह, ये तीन जो एजेंसी हैं उनके लिए जो प्री एग्ज़ाम होता है उसके लिए ये CET करवाया जाएगा। ये प्री एग्ज़ाम है केवल, जो मेंस SSC पहले लेती थी Tier 2 और Tier 3, और जो प्रोसेस उसकी थी वो अपनी कंटिन्यूस रखेगी। इसी तरह RRB और इसी तरह IBPS। अब बात करें दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम होगा केवल ग्रुप B एंड ग्रुप C, केवल दो ग्रुप्स के लिए, बी और सी, यानी जो सेकंड क्लास ऑफिसर होते हैं, जो थर्ड क्लास ऑफिसर होते हैं किसी भी गवर्नमेंट में, उसके लिए एग्ज़ाम होगा। और एक और खासियत है दोस्तों, ये जो टेक्निकल के लिए नहीं होगा, ये एग्ज़ाम होगा दोस्तों नॉन टेक्निकल जो भी पोस्ट होंगी उनके लिए ये एग्ज़ाम होगा। अब मैं बात करूँ दोस्तों, CET होगा एक साल में कितनी बार? तो दोस्तों जो CET का एग्ज़ाम होगा ना, एक साल के अंदर वो दो बार होगा, 2 times per year होगा। यानी जो CET का एग्ज़ाम होगा दोस्तों, एक साल में गवर्नमेंट दो बार करवाएगी। अगर मान लो आपका कोई भी स्कोर आया, वो एक और खासियत है कि एक बार आपका जो भी स्कोर आया, आपने क्वालिफाई कर दिया, जो आपका स्कोर कार्ड होगा दोस्तों वो 3 साल के लिए, 3 years के लिए क्या हो जाएगा, मान लिया जाएगा। अगर आपने एक बार CET क्वालिफाई कर दिया तो वो स्कोर आपका 3 साल तक वैलिड रहेगा, यानी उसकी वैलिडिटी है दोस्तों वो 3 साल की रहेगी। इससे फ़ायदा क्या होगा? अब मान लो आपके एक बार 130 आए, दूसरी बार 140 आए, तीसरी बार मान लो 120 आ गए, जो इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे दोस्तों वो काउंट किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक और बात, अब जो इसका एग्ज़ाम होगा दोस्तों उसका मोड क्या होगा, यानी मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा दोस्तों? मोड ऑफ एग्ज़ाम, जैसे अभी तक रेलवे या बैंकिंग या SSC लेती आई है, ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा, और इसका फॉर्मेट क्या होगा दोस्तों? MCQ, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही इसके अंदर आएंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों सिलेबस की, तो सिलेबस अभी कोई डिफाइंड नहीं है कि भाई सिलेबस क्या आएगा, जब तक इसकी पूरी नोटिफिकेशन नहीं आ जाती। क्यों? क्योंकि SSC की बात करूं दोस्तों, इसमें जो मैथ आता है वो एडवांस लेवल का भी आता है और अर्थमेटिक लेवल का भी आता है। बात करूं रेलवे की, तो उसमें अर्थमेटिक बिल्कुल सिंपल आता है, अगर एडवांस है वो भी बिल्कुल सिंपल आता है। बैंक में एडवांस मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता। अगर रीजनिंग और इंग्लिश की बात करूँ, बैंक में एज कम्पेयर टू SSC हार्ड आती है। तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि इसका सिलेबस क्या होगा, इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करूं जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम होगा, जो CET होगा, वो 3 लेवल पे होगा दोस्तों। कौन कौन से? अब कोई वैकेंसी अगर 10th बेस पे निकली है तो उसके लिए अलग CET होगा, जो 12th बेस पे वैकेंसी निकली है उसके लिए अलग CET होगा। कैसे? अब मान लो आपने 10th कर रखी है और उस 10th बेस पे कोई भी वैकेंसी निकली है जिसमें मांगा
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10th क्लास पास, तो उसके लिए जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो अलग लेवल का होगा। जो 12th लेवल की वैकेंसी आएंगी दोस्तों उसके लिए सीईटी अलग होगा, और जो ग्रेजुएशन बेस पे जो भी पोस्ट निकलेंगी उनका सीईटी अलग होगा। अभी दोस्तों जो सीईटी है केवल एसएससी, रेलवे और बैंक पे ही अप्लाई किया गया है। अगर ये गवर्नमेंट की स्कीम कामयाब रही तो धीरे धीरे जो पूरे इंडिया में 20 के आसपास एजेंसी हैं उन पे अप्लाई किया जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में क्या है केवल एसएससी, रेलवे और बैंक, आरआरबी और बैंक आईबीपीएस, उनके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। अब मैं बात करूं दोस्तों इसमें एज लिमिट की, अभी एज लिमिट का पता नहीं है लेकिन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अभी कहा गया है कि इसमें आप कितने बार भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। अगर दोस्तों मैं इसका फ़ायदा बताऊं तो फ़ायदा ये है जो रूरल एरियाज़ के बच्चे होते हैं खासकर लड़कियां, तो उनको ट्रैवलिंग की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। और एक और बात, जो एग्ज़ाम सेंटर होगा दोस्तों, जो एग्ज़ाम सेंटर होगा आपका वो क्या होगा, एवरी डिस्ट्रिक्ट में होगा, पूरे भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट में। अगर मैं हिसार में रहता हूं तो मेरा एग्ज़ाम सेंटर हिसार आएगा, अगर आप फरीदाबाद में हैं तो आपका फरीदाबाद आएगा, या सोनीपत में हैं तो सोनीपत आएगा, या पूरे भारत में साउथ में हैं तो साउथ में जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उसमें एग्ज़ाम सेंटर आएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा दोस्तों आपको एग्ज़ाम देने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। 3 एग्ज़ाम देने के लिए अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे, आपके अलग अलग पैसे लगते थे, अब तीनों का एक जो फीस है एक बार कटवानी पड़ेगी और तीनों एग्ज़ाम आप तीनों का यानी प्री, केवल प्री ख़त्म किया गया दोस्तों। ये ना समझें कि मेंस जो एग्ज़ाम है वो भी सीईटी के थ्रू होगा, वो आपकी जो भी एजेंसी, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी लेगी, आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आईबीपीएस यानी बैंक लेगा, और आरआरबी यानी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे लेगा। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं टोटल पूरे भारत में लगभग 2.5 करोड़ क्या है दोस्तों, 2.5 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं वो हर साल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अब उनको ये फ़ायदा होगा जो भीड़ है, जो दोस्तों भीड़ है यानी जो आज के टाइम पे अब एक्सीडेंट हो के कोई एक्सपायर हो जाता है या कुछ भी दुर्घटना हो जाती है वो कम करने का प्रयास किया गया है। गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा होगा, जो किसी भी टेस्ट को करवाने के लिए उन्हें कंपनी हायर करनी पड़ती थी उसके अंदर मैन पावर लगती थी या कोई भी इन्वेस्टमेंट यानी मनी लगती थी वो कम हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको ये पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट संडे मिलते हैं, थैंक यू।